जन्नत जुबैर खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है इंटरेस्टेड, लेकिन आखिरकार बिग बॉस के सीजन में यानी कि बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में क्यों नहीं आना चाहती हैं जन्नत जुबैर? वेल, आखिरकार क्या है इसके पीछे की पूरी वजह, क्या है पूरी रीज़न? चलिए हम पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूँ कि जन्नत जुबैर, जी हाँ, खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 को लेकर जहाँ बड़े बड़े नाम शामिल हो चुके हैं, वहीं जन्नत जुबैर को लेकर भी कहीं ना कहीं एक कॉन्फर्मेशन सामने आया है। आपको बता दूं कि जन्नत जुबैर से एक इंटरव्यू के दौरान जब ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्या वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का हिस्सा बनेंगी, तो जन्नत जुबैर ये कहती नज़र आती हैं कि खतरों के खिलाड़ी के लिए हर साल यानी कि हर सीज़न के लिए उन्हें अप्रोच किया जाता है, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि अगर वो हामी भी भरती तो क्या वो स्टंट कर पाएंगी। लेकिन यहाँ पर जन्नत जुबैर ने एक बड़ी बात ये कह दी है कि खतरों खिलाड़ी सीजन 12 के लिए अगर इस बार उन्हें अप्रोच किया जाएगा तो वो बेशक खतरों खिलाड़ी सीजन 12 का हिस्सा बनेंगी, लेकिन बिग बॉस जैसे शो का हिस्सा वो कभी नहीं बन सकती हैं। जी हाँ, बिग बॉस सीज़न 16 के लिए भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का नाम सामने आ रहा है, जहाँ की जन्नत जुबैर से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप बिग बॉस जैसे रियलिटी शो का हिस्सा बनेंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ और मुझे लगता है कि मैं बिग बॉस जैसे शो में अगर जाऊँगी तो फैंस मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो बेटर मैं बिग बॉस जैसे शो को इग्नोर ही करना चाहूँगी। वेल, आखिरकार क्या जन्नत जुबैर को आप खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में देखने के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।